भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनेक पुण्य पुंज बनते हैं, अर्थात चावल का एक दाना है और कई दाने उसमें डाल दिए जाएं जिनकी गिनती ना हो सके, उसको पुंज कहते हैं। जब पुण्य पुंज का उदय होता है, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब उस पुरुष को सत्संगमं च लभते, सत्संग की प्राप्ति होती है। फिर इससे होता क्या है, प्राप्ति से क्या हमें प्राप्त होता है? अज्ञान हेतु कृत, अज्ञान जनित जो मोह है और मद रूपी जो अहंकार है, मोह मदांधकार, मद रूपी जो अहंकार है, क्या मिलेगा इससे? नासं विधाय, उसका नाश होगा। फिर क्या होगा? हे तदो दयते विवेक, विवेक का उदय होगा। तद उदयते विवेक, जब महापुरुषों का सत्संग हम सबको प्राप्त होता है, तब हमारा मोह मद अहंकार सब दूर होता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिनो सत्संग विवेक चौपाइयां हैं, निर्जीव के अंदर प्राण डाल देते हैं। ऐसी राम चरित्र मानस, राम और मानस के बीच में एक शब्द है चरित्र में। राम जी के चरित्रों को अपनाओ। कृष्ण ने जो किया उसको नहीं कर सकते, कृष्ण ने जो कहा है उसको। ऐसी रामचरित्र मानस है, परम आदरणीय परम वंदनीय श्री हमारे चार जगत गुरु हैं, एक बनारस में हैं। रामायण की जब बाबा तुलसीदास जी ने छंदों में मंदक्रांता छंद, कई छंद उसमें सम्मिलित किए, चौपाइयां सम्मिलित की, कई लोगों ने खंडन किया और काय काम करते हैं, जो शंकराचार्य जी कहेंगे हम उस पे ही अमल करेंगे। रामायण को सामने रखा, बाबा ने कहा देखो पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। रामायण को पढ़ा, एक एक चौपाई का ध्यान किया, जो आनंद की अनुभूति हुई। बंद करते हैं रामायण, कहते हैं ये क्या है, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो राम। रामचरित्र मानस को बना करके तुलसीदास, तुमने मेरे ऊपर कृपा की, इस संसार के ऊपर कृपा की और यह ग्रंथ मैं साइन करता हूं। सब जगह मान्य होगा, क्योंकि जिस प्रेम से तुमने उन चौपाइयों के द्वारा प्रस्तुत किया जो वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया,
ऐसी बाबा की कृपा, बाबा तुलसीदास जी की कृपा। रामचरित मानस भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता जी सभी वैष्णवों के घर में होना चाहिए। सुगम बना दिया है कि जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए चौपाइयों के द्वारा गाना, ऐसी कृपा तुलसीदास जी के द्वारा हम सभी लोगों को प्राप्त हुई। कहते हैं नारद जी महाराज, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वल भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनार्थम प्रयत्नतः। बहुत सुंदर श्लोक है। सुख शास्त्र, ये नहीं कहा भागवत शास्त्र, सुख शास्त्र। बहुत सुंदर श्लोक लगता है मुझे। सुख शास्त्र कथोज्वल, वो उज्जवल है, नष्ट होने वाला नहीं है। सूर्य है, रात्रि के समय छुप जाता है, परंतु ये हमेशा उज्जवल रहता है। कथोज्वल भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः, ऐसी स्थापना सुखदेव जी महाराज ने की। बाबा से कहा, बाबा एक काम करते हैं, बद्रिका आश्रम में बड़े संत हैं लेकिन ये विरक्त हैं, कथा उस स्थान पर हो कि सब लोगों को उसका फल प्राप्त हो सके, सौभाग्य उनको प्राप्त हो सके कथा श्रवण करने का।